इस न्यूज के प्रायोजक है अफसान जूस, विजापुर वेस्ट, पेंटर चौक, सोलापुर। शर्मसार करने वाली घटना, पति ने पत्नी बेटी को चाकू मारकर की आत्महत्या, बेटे की बाल बाल बची जान। राजधानी दिल्ली के शहद्रा इलाके में एक बेहद हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली मेट्रो के सुपरवाइजर ने पत्नी और बेटी की हत्या के बाद खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक डीएमआरसी में सुपरवाइजर पद पर काम करने वाले सुशील 45 वर्षीय ने पहले पत्नी और बेटी की चाकू मारकर हत्या की और फिर खुद फंदे पर झूल गया। बताया जा रहा है कि मृतक सुशील ने पहले 40 वर्षीय पत्नी अनुराधा और 6 साल की बेटी अदिति का चाकू से मर्डर किया। इस घटना में उसने अपने बेटे युवराज पर भी चाकू से हमला किया था, हालांकि वो बच गया, जिसको जीटीबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। इधर एक साथ 3 मौत से पूरा इलाका दंग है। हालांकि मेट्रो सुपरवाइजर ने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस जांच में कुछ हैरान करने वाली चीजें सामने आई है। पड़ोसियों का कहना है कि सुशील आईपीएल मैच पर सट्टा लगाता था, इस बार वो सट्टे में मोटी रकम हार गया था। सट्टा संचालक उस पर रकम का दबाव बना रहे थे, जिसको लेकर वो काफी परेशान था। हालांकि परिवार ने सट्टे की बात से इनकार किया है।